नरेंद्र मोदी एनडीए के नेता चुने गई गठबंधन ने सरकार बनाने का दावा पेश किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शुक्रवार को नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की संसदीय दल का लगातार तीसरी बार नेता चुना गया। पुरानी संसद के सेंट्रल हॉल में सुबह 11 बजे शुरू हुई मीटिंग में एनडीए के 13 दलों के नेता शामिल हुए। बैठक के बाद मोदी भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी से उनके घर जाकर मिले। इसके बाद गठबंधन ने राष्ट्रपति को समर्थन सौंपा और सरकार बनाने का दावा पेश किया। नीतीश ने कहा, मैं हमेशा मोदी के साथ रहूंगा। पैर छूने के लिए झुके तो मोदी ने हाथ पकड़ा। दिल्ली में शुक्रवार को एनडीए की बैठक हुई। पीएम नरेंद्र मोदी को संसदीय दल का नेता चुना गया। यह बैठक 2 घंटे से ज्यादा चली। गठबंधन के 13 नेताओं ने भाषण दिए। बिहार के सीएम नीतीश कुमार भाषण देने के बाद मंच की तरफ आए तो उन्होंने पीएम मोदी के पैर छूने की कोशिश की। जैसे ही नीतीश कुमार पैर छूने को बढ़े तो मोदी ने उनके दोनों हाथ पकड़ लिए। इस दौरान दोनों के बीच बातचीत हुई। नीतीश ने सिर झुकाकर अभिवादन किया। थप्पड़ कांड पर बॉलीवुड की चुप्पी से भड़की कंगना रनौत, कहा यह आपके साथ भी हो सकता है। हिमाचल की मंडी सीट से बीजेपी की लोकसभा सांसद चुनी गई एक्टर कंगना रनौत को चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ लेडी कांस्टेबल कुलविंदर कौर ने थप्पड़ मार दिया था। कंगना ने इंस्टाग्राम स्टोरी में लिखा, डियर फिल्म इंडस्ट्री, आप सभी या तो अभी जश्न मना रहे हो या फिर मुझ पर एयरपोर्ट पर हुए अटैक के बाद एकदम चुप बैठे हो। रफा को सपोर्ट करने वाले गैंग, जब आप किसी पर हमले का जश्न मनाते हो तो याद रखना कभी आपके साथ भी हो सकता है। हालांकि बाद में कंगना ने स्टोरी डिलीट कर दी। सेंसेक्स 2% से ज्यादा उछला, रिकॉर्ड 76,795 पर पहुंचा, 3 जून के स्तर को पार किया। रिजर्व बैंक के जीडीपी अनुमान बढ़ाने के बाद हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन यानी 7 जून को सेंसेक्स 76,795 के ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया। यह 3 जून के भी स्तर को पार कर गया। हालांकि बाद में ये थोड़ा नीचे आया और सेंसेक्स 1,618 अंक की बढ़त के साथ 76,693 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में भी कारोबार के दौरान करीब 500 अंकों की बढ़त देखने को मिली और ये 23,320 के स्तर पर पहुंचा। आरबीआई ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 7% से बढ़ाकर 7.2% कर दिया है। इंडिया ब्लॉग सोनिया से मिलकर कमलनाथ बोले, चंद्रबाबू नीतीश पर नजर। लोकसभा चुनाव के नतीजे के बाद 7 जून को तीसरा दिन था। महाराष्ट्र के सांगली से निर्दलीय चुनाव जीतने वाले विशाल पाटिल ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात करके कांग्रेस और इंडिया ब्लॉक को समर्थन देने का ऐलान किया। उधर दिल्ली में कमलनाथ ने सोनिया गांधी से उनके आवास पर मुलाकात की। बाहर निकलने के बाद कमलनाथ ने कहा, हम चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार पर नजर बनाए हुए हैं कि वे क्या कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में मॉब लिंचिंग, 2 युवकों की मौत, मवेशी ले जाने पर 10 से 12 लड़कों ने पीटा। छत्तीसगढ़ में 2 युवकों को मॉब लिंचिंग में मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि गुरुवार शुक्रवार की दरमियानी रात को आरंग थाना इलाके में 3 लोग ट्रक में मवेशी भरकर ले जा रहे थे। इसी दौरान 10 से 12 लड़कों ने उनका पीछा किया और फिर ट्रक को महानदी पुल पर घेर लिया। इसके बाद कई लड़कों ने ट्रक में सवार 3 लोगों की जमकर पिटाई कर दी। पुलिस को इनमें से 2 युवकों की लाश महानदी में पड़ी हुई मिली। पुणे फोर्स केस में गिरफ्तार नाबालिग आरोपी के पिता और दादा पर पुणे पुलिस ने एक नया केस दर्ज किया है। दरअसल एक लोकल बिजनेसमैन डीएस कटूरे ने आरोपी के पिता विशाल अग्रवाल, उसके दादा सुरेंद्र अग्रवाल के अलावा 3 अन्य लोगों पर अपने बेटे शशिकांत को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया है। जनवरी 2024 में डीएस कटूरे के बेटे शशिकांत कटूरे ने सुसाइड किया था। कनाडा में इंदिरा गांधी की हत्या की झांकी निकली। भारत बोला, हम कनाडा से जवाब मांगेंगे। कनाडा में ऑपरेशन ब्लू स्टार की गुरुवार को 40वीं वर्षी पर इंदिरा गांधी की हत्या की झांकी निकाली गई। यह झांकी वैंकूवर में निकाली गई। इसमें इंदिरा गांधी का पुतला दिखाया गया था जिसमें गोलियों से छलनी किया गया था। साथ ही उनके हत्यारे बेअंत सिंह और सतवंत सिंह को इंदिरा गांधी पर बंदूक ताने दिखाया गया। इसके बाद आज भारतीय अधिकारियों ने कहा कि वे इस मुद्दे पर कनाडाई अधिकारियों से जवाब मांगेंगे। भारतीय विदेश मंत्रालय ने मामले में एक लिखित शिकायत कनाडा को भेजने की बात कही है। यूपी, एमपी और झारखंड में हीट वेव की आशंका, महाराष्ट्र पहुंचा मानसून। मौसम विभाग ने आज उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश और झारखंड के अलग अलग स्थानों में हीट वेव चलने का अनुमान जताया है। राजस्थान में धूल भरी आंधी चलने का अलर्ट है। उधर मानसून देश के दक्षिण भाग को कवर कर चुका है। 6 जून को यह महाराष्ट्र में दाखिल हो गया। इसके साथ ही आधे तेलंगाना और लगभग पूरे आंध्र प्रदेश को मानसून ने कवर कर लिया। भारी बारिश के चलते तमिलनाडु के कई इलाकों में पानी भर गया है।
पूर्वोत्तर राज्यों में भी मानसूनी बारिश हो रही है। फास्टैग NCMC में ऑटोमेटिक ऐड होगा पैसा, अभी मैनुअल रूप से बार बार रीलोड करना पड़ता है। फास्टैग और नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड के यूजर्स अब रैक रिंग पेमेंट मैकेनिज्म के जरिए अपने कार्ड में बैलेंस ऐड कर सकेंगे। इस मैकेनिज्म का इस्तेमाल करने पर ग्राहकों का फास्टैग और NCMC का बैलेंस उनकी ओर से तय सीमा से नीचे जाने पर ऑटोमेटिक रूप में पैसा ऐड हो जाएगा। इससे ट्रैवल और मोबिलिटी से जुड़े पेमेंट करने में आसानी होगी। RBI गवर्नर शशिकांत दास ने आज यानी 7 मई को मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी यानी MPC की मीटिंग में लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए यह बात कही।